विश्व में शांति बनी रहे और सबका भला हो, इसी कामना को लेकर उज्जैन में एक दिवसीय यात्रा पिछले 3 वर्ष से सुरेंद्र यादव के द्वारा अपने जन्मदिन पर आयोजित की जाती है। उज्जैन शहर में पिछले 3 वर्ष से सैकड़ों की संख्या में शहरवासी, इष्ट मित्र और परिचित शहर के प्रमुख देवालय पर पहुँचते हैं और फिर इन देवालय में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। इसी एक दिवसीय यात्रा का मुख्य उद्देश्य रहता है कि सबका भला हो और शांति बनी रहे। सभी लोग इस यात्रा में शामिल होकर शहर के प्रमुख देवालय और तहसीलों के प्रमुख देवालय मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना कर सके। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मैं सभी लोगों के साथ रहता हूं तो उनसे मेरे को प्रेरणा मिली और मेरे को भी मन में आया है। मेरे दोस्त यारों को मैंने देखा कि ये पूरे साल अच्छे से अच्छा काम करते हैं। मेरे को हमारे एक मित्र हैं, उनके जन्मदिन पे यात्रा कराने लगे थे। उसी दिन मैंने एक मन बनाया था कि यार अगले बार से मेरा जन्मदिन आएगा तो भगवान मेरे को भी इतनी शक्ति दे, मैं किसी को ले जाने के प्रयास करूँ, मैं भले 2-4 को ले जाऊँ। पर आज मेरा 3rd साल है मेरा जन्मदिन है। मैं पहले साल में ओंकारेश्वर ले गया था, 2nd साल में मैं बंगला मुखी नाराने ले गया। तो आज सुबह सुबह आज 3 बस भर के और कुछ 4-व्हीलर से सब धर्म प्रेमी जनताओं को यात्रा करा रहा हूँ। मेरे मन में ये प्रेरणा है कि अपने हिंदू संस्कृति के हिसाब से मैं जन्मदिन मनाऊँ, सभी को धार्मिक यात्रा करा के तो आज सुबह से निकला हूँ। फिर अभी मनसा देवी माता जी के दर्शन कराए हैं, अब हम जा रहे हैं भवेश्वर महादेव, उसके बाद दर्शन करके वहीं भोजन करके हम जाएंगे सातुंडा माता जी, उसके बाद रजनी खेली माता जी जाएंगे शाम को। वहाँ पे हम सारे पूरा एक परिवार ही मेरे साथ में है, कोई मेरे से अलग नहीं है। मैं किसी को ये समझ के नहीं लाया हूँ कि मैं किसी बाहर के आदमी को लाया हूँ, सभी मेरे घर के हैं, परिवार के हैं। मैं किसी का बेटा हूँ, कोई मेरी भाभी है, कोई मेरी बहन है, मेरी धर्मपत्नी भी साथ में है। आज शाम को वहाँ पे हम भजन संध्या के रूप में फागोत्सव बनाएंगे और शाम को भी सभी के साथ भजन प्रसाद देंगे। बताइए भैया, क्या नाम है आपका और आप लोग कहाँ कहाँ पर जाएंगे और किस प्रकार से देवालयों में दर्शन करेंगे और क्या रहेगा? मैं संदीप भंडारी, आज हमारे सुरेंद्र का जन्मदिन है, हमारे बड़े भाई हैं। आज सुरेंद्र के जो जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सारे लोग 3 बस कुछ 4-व्हीलर हम सारे लोग देवस्थल पर जाएंगे। पहले भोरेश्वर महादेव, उससे पहले हम मनसा माता होकर आए, सातुंडा धार। ये हमारी धर्मस्थल की यात्रा है और हम इसके माध्यम से हमारे सुरेंद्र का जन्मदिन मनाते हुए धर्मस्थल धार तक जाएंगे। बोलो राधा रानी की जय। मैं तो बस ये बना हूँ, बस ये बन गई, मैं जा रहा हूँ। माधव 2 मिनट रुक जाएंगे, सारे लोग उतरे करेंगे, दोनों आप 2 मिनट चलो आ जाओ, बोले एक वीडियो अच्छी बन जाएगी आपकी। यही बन हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।